मेरा कहना ये है कि अगर वो सच्चा है या झूठा नहीं फर्क पड़ता, पर वो कुछ गलत नहीं है। बिजनेसमैन यूट्यूबर है वो, अभिनव अरोरा। क्या वो इतना गलत है कि ये सारे फेमस फेमस यूट्यूबर उसे रोस्ट करने में लगे हैं? बिल्कुल नहीं। तो वो उधर जाता है पता है सुनने के लिए, ध्यान से देखोगे तो सब समझ आता है कितना ज्यादा भाई नकली बिजनेस चल रहा था, इसका पूरा बर्बादी हो गया। एक 10 साल के बच्चे को गुरुजी ने स्टेज से क्या उतार दिया, इन्होंने तो उनकी जिंदगी की लेने की देनी कर रखी है। क्या ये सब सही कर रहे हैं उसे रोस्ट करके? बिल्कुल नहीं। उन्होंने क्या कहा है गुरुजी ने, बच्चा रील बनाने के लिए, इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए स्टेज पे चढ़ा है, गुरुजी के पास खड़ा होकर रील बनवा रहा ताकि वो और फेमस हो जाए। हाँ माना मैंने ये बात, पर हम भी अपने बच्चे को कोई फेमस सेलिब्रिटी दिखता है तो उसके पास जाके खड़ा करते हैं, फोटो खिंचाते हैं और हम वो ही पोस्ट करते हैं कि देखो हम उससे मिले थे, उसके पास गए थे। तो ये मुझे तो उसी तरह का कुछ लग रहा है ना, इसमें क्या गलत है? और ये क्या कह रहे हैं कि गुरुजी ने उसे नीचे उतार दिया क्योंकि वो उनका पाखंड समझ गए। गुरुजी ने उसे नीचे उतार दिया क्योंकि वो अपने इतने करीब किसी को आना अलाउ नहीं करते, हर किसी को आना। तो बस वो बच्चा करीब आ रहा था क्योंकि वो एक बच्चा है। हाँ उसके पापा ने उसे इशारा किया होगा, वो बस करीब आ रहा था और गुरुजी ने उसे कहा नहीं तुम नीचे जाओ। तो बस ना, तो क्या बड़ी बात हो गई इसमें? इतनी बड़ी बात हो गई कि आप सब उसके पीछे ही पड़ गए हो? भाई माफ करो उसे, उसे करने दो, अपने छोटे मोटे राधे राधे रील्स बनाने दो, ऐसे पीछे मत पड़ो। तो I'm sorry अभिनव, मैं आपके फ्यूचर सेल्फ को जब आप ये वीडियो देखेंगे तो मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। बेटा अगर आप समझ गए हैं तो ये समझ जाइए कि इस वीडियो को भी फिर कोई मतलब नहीं है, ये आप पे अटैक नहीं है। जो आप गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बाकी सबको वो गलत है। आज भी समय है अपनी असली जिंदगी जीना, जो अच्छा लगता है ना वो काम करना। बस अगर खेलना अच्छा लगता है, टीवी देखना अच्छा लगता है, गेम्स खेलने अच्छा लगता है ना तो वो करना, घरौंदे बनाना, बारिश में नहाना। ऐसे कई लोग हैं जो धर्म की आड़ में मैनिपुलेट करते हैं लोगों को। वो क्या कर रहा है, धर्म का प्रचार? क्या उसने ऐसा कुछ कहा जो गलत है, हमारे धर्म के विपरीत है? नहीं ना, तो कैसे हुआ ढोंगी मैनिपुलेट करने वाला, ये गलत कैसे? बॉय इज बेसिकली रट्टू तोता, बट दैट्स नॉट इट। उसके पेरेंट्स ने उसको ये भी समझाया है कि हर इंटरव्यू में जाके ये भी बोलो कि मुझे ये सब चीजों से ना हेटर्स से फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। रट्टू तोता बोल रहे हो, रट्टू तोता होके भी वो कुछ अच्छा बोलना सिखा रहा है। ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स को तो आप रोस्ट नहीं करते जो गंदी गंदी गालियां देते हैं, वो यूट्यूब पे आजकल सारे बच्चे देखते हैं। ये सब तब कहां गए थे जब बेचारे को रोस्ट किया जा रहा था इंस्टाग्राम पे, उसे मोटा कहा जा रहा था, ये कहा जा रहा था, उसकी कॉन्फिडेंस की एकदम लगा दी जा रही थी। तब उसके मम्मी पापा ने उसे सपोर्ट किया था और उन्होंने उसे क्या सिखाया कि बेटा इस सबसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आज वही तो वो कह रहा है ना कि मुझे सबसे फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक अच्छी चीज सिखा रहा है आज की जनरेशन को कि हमें कोई हमें रोस्ट करे या कुछ बुरा भला कहे तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो ये तो अच्छी बात है ना। और ये हमें क्या सिखा रहा है, बच्चों को क्या सिखा रहा है, राम का नाम लेना? आप उन पे पॉइंट आउट नहीं कर रहे जो उल्टी पुल्टी रील बनाना, नंगा नाच ये सब सिखाते हैं, उन्हें पॉइंट आउट कीजिए ना। अच्छा खासा अपने भगवान की पूजा करता है, राम राम का नाम लेता है, झूठा या सच्चा क्या फर्क पड़ता है? कुछ अच्छा सिखा रहा है आज की जनरेशन को, कुछ बुरा तो नहीं? कैरी मिनाटी के बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर गंदी गालियां दे रहे ये वो यूट्यूब पे, और वो हाँ वो सब ठीक है, एंटरटेनमेंट है, और ये बेचारा राधे राधे हरे राम हरे कृष्ण बोले जा रहा है तो नौटंकी है, रट्टू तोता है, रट के बोलो अच्छी कैसे बोलो, अच्छी चीज बोल रहा है, बुरी तो नहीं बोल रहा। पुराने वीडियो जब मैंने देखे, जब मैंने रिसर्च करी और पाया, पहले कुछ ही टाइम पहले, एक दो साल पहले, ये बच्चा बिल्कुल डिफरेंट था, अलग अलग चीजें यूज करता था। फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं। वही वर्ड जो आज ये अलग ढंग से बोल रहा है वो कुछ और ढंग से बोलता था। गोल्ड से भी ज्यादा होती है। राधा आनंद किशोर है, बिहारी जी, राधा आनंद, गुड इवनिंग मम्मा, सुपर मम्मी है तू मेरी, और मेरी भैया ने मेरे साथ कंडीशंस रख रखी, भैया ने मेरे पास परसेंटेज रखी हुई है। इसके रूम की हालत कुछ और थी, आज कुछ और है। तो इसके बाप ने इसको एक नकली जिंदगी दे दी है। बड़े यूट्यूबर कह रहे हैं कि उसकी भाषा बदल गई है। भाषा बदलना क्या इतनी बड़ी बात है? पता है एक लड़की शादी होकर अपने ससुराल जाती है, साल दो साल में ही ससुराल की भाषा बोलने लग जाती है। जब हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं तो साल दो साल में वो एक दूसरे की भाषा अडॉप्ट कर लेते हैं। यही नहीं, अगर हम कोई नई सिटी नई जगह पे जाते हैं तो हम वहाँ की भाषा बोलने लग जाते हैं। तो ये तो बहुत नॉर्मल चीज है ना। अगर वो बता रहा है अपनी मम्मी को मैया बोलने लग गया तो क्या हो गया, भाषा बदल गई? हो सकता है ऐसी संस्कृति वाली किताबें पढ़नी शुरू कर दी, उसका माइंड चेंज हो गया, और माइंड चेंज होना इतनी बड़ी बात नहीं होती है। क्या क्या बोला तूने? ये इतना, ये इसके माँ बाप तो कह रहे थे कि बचपन से ही भक्ति में, बिल्कुल ये शुरू ही इसने ही खुद ये बोला है कि मेरे को भगवान की भक्ति कर। नॉनवेज कैसे खा रहा था फिर? ये कैसी भक्ति शुरू हुई थी नॉनवेज खा के? कह रहे हैं कि ये तो मांस खाता है, ये राम का नाम कैसे ले सकता है? अरे बाबा, नॉनवेज लोग राम को नहीं मानते। और हो सकता है इसका माइंड चेंज हो गया हो। क्या आप गौतम बुद्ध को नहीं जानते?
एट द एज ऑफ 29 उनका माइंड चेंज हो गया था। ये तो 10 साल का बच्चा है, हो सकता है 8 साल तक वो खाता होगा और अब उसका माइंड चेंज हो गया वो नहीं खाता। बस मेरा कहना ये है कि अगर वो सच्चा है या झूठा नहीं फर्क पड़ता, पर वो कुछ गलत नहीं कर, बच्चे से पैसा कमाना चाहता है उसको धर्म की मार्केट में बेच के। और ये कह रहा है कि पॉपुलर होने के लिए, पैसे कमाने के लिए इसके पापा ने इसको इस राह पे चलना सिखाया है। तो क्या कुछ गलत करना सिखाया है? राम का नाम लेना ही सिखाया है, राधे राधे करना सिखाया है, भगवान पे विश्वास करना सिखाया है, तो क्या गलत है? क्या पता हो सकता है इस रास्ते पे चलते चलते वो सच में ऐसा ही हो जाए। अभी उसके पास इतना ज्ञान नहीं है कि वो कथा कर सके या कुछ और कर सकते, वो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, पर उसे लगे कि हाँ लोग मुझे, मेरा मोटापा या मुझे रोस्ट ना करके लोग मुझे इस अवतार में पसंद कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं सच में भगवान में लीन हो जाऊं। जब वो समझ पकड़े तब वो सच में भगवान को मानने लगे कि मैं इनका नाम लेने से आज यहां पहुंच गया हूं, तो मुझे इनके बारे में और जानना चाहिए, मुझे और शास्त्र की किताबें पढ़नी चाहिए, और ज्ञान लेना चाहिए, गीता रामायण कंठस्थ होनी चाहिए, ये सब करने लग जाए, क्या पता उसका फ्यूचर अच्छा हो जाए। पर अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि वो कुछ इतना गलत कर रहा है, कुछ ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करके कुछ अलग कुछ खराब कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है। बस वो हाँ इंस्टाग्राम पे रील बना रहा है, फेमस होने की कोशिश कर रहा है, पर कुछ अच्छा करके ही ना, बुरा करके तो नहीं, चोरी डकैती करके तो नहीं ना। और ये लोग आए उसके माँ बाप को सिखाने। पता है आपको एक चीज, इस संसार में हमसे सबसे ज्यादा प्यार हमारे माँ बाप करते हैं और हम सबसे ज्यादा प्यार हम अपनी औलाद से करते हैं। तो आप कोई नहीं होते उसके माँ बाप को सिखाने वाले, उसके लिए क्या सही है क्या गलत, प्लीज अपना ज्ञान अपने पास रखिए। इसके पापा को इतना ज्यादा रोस्ट कर रहे, तो आप ये बताइए मुझे, जो बच्चे एक्टिंग लाइन में जाते हैं उनके पेरेंट्स कितने गलत है? क्या उन बच्चों को एक्टिंग पहले से आती है? उन्हें बस थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट होता है, उसके माँ बाप उन्हें क्लास या ट्रेनिंग देते हैं और फिर इस चीज़ में भेजते हैं, छोटे भी तो एक्टर्स होते हैं ना, और उन्हें फिर और धीरे धीरे सीख के वो आगे बढ़ते हैं। हो सकता है ऐसे ही हो, ये भी छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातें करता हो राम के नाम पे, और इसके पापा ने इसको जस्ट कॉन्फिडेंट दिया कि हाँ बेटा इस लाइन में अच्छा है, तुम कर सकते हो, हम कराएंगे तुम्हें। हो सकता है उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो, नहीं होता 70% पब्लिक का नहीं होता, 20% बच्चे हाँ कि उन्हें जिन्हें पढ़ाई लाइन में आगे होना होता है, किसी को और चीज में करियर बनाना होता है। बाबा जी ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब एटलीस्ट दो कान के नीचे लगाने थे पहले, फिर भगाना था नीचे, हैं सीधे नीचे भगा दिया। क्या पता, अच्छी चीजें बोलना, किसी को मोटिवेट करना, किसी को राम के नाम पे या राम के मार्ग पे चलाना, ये गलत तो नहीं है। सच या झूठ मैं जानती नहीं। थैंक यू।